Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know, that we are on unit number 13. The name of our unit is Energy and Its Resources. Week is week number 6. SLO under discussion is SLO number 2. So, my dear students, according to this SLO, students will be able to identify natural sources of energy the sun, wood, flowing water, wind, coal, and gas. So, humne previous slo mein previous that energy is very important to living thing को इसकी जरूरत है इसके अलावा जो नेचुरली नेचुरल नाच्छल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं जैसे कि सन फ्लोइंग वाटर वुड विंड कोल ऑयल गैस ये तमाम जो है नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं बच्चों को इनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा पता चलेगा कि ये हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं सो so, इस एस को पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि बच्चे जो हैं इन तमाम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में क्योंकि ये नेचुरल है इनके बारे में जान जाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इनको डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट वॉट यू विल डू एज यू हैव टू केयरली अयरफुल रीड आउट दिसलो उसके बाद आपने इसको ढूंढना है कि ये आपकी साइंस थ्री या जी के थ्री की बुक में कौन से पेज नंबर पर दिया गया है पेज नंबर आप और बुक का नाम यहां इन ब्लैंस में नोट डाउन करेंगे आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी आप नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज आपने uh, इसी एस के साथ जो सेकेंड क्यू कोड दिया गया है इसको स्कैन करना है स्कैन करने पर यू हैव टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली और उसके बाद ही आप जो गिवन टास्क हैं वस एस एल उनको कंप्लीट कर सकेंगे और इनको केयरफुली कंप्लीट कीजिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपने कंप्लीट करना है इन टाइम कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने एक जो आ, ये वाली एक्टिविटी है ये भी कंप्लीट करनी है जिसमें आपको एक प्रोपेलर जो है वो बनाना है और इसको एक एनर्जी से है उससे इसको चलाना है सो माई डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट ऑल दीज टास्क इन टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ये क्यू आर कोड भी स्कैन कीजिएगा अटैच वीडियो को देखिएगा और तभी जो है यू विल बी एबल टू द गिवन टास्क सो माई डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट ऑल द टास्क इन टाइम एंड थैंक यू सो मच अ गुड डे अल्लाह